नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी में नगर निगम की 1200 से ज्यादा दुकानें हैं जिनका किराया बढ़ा दिया गया है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में इलाइट चौराहा व्यापार मंडल के पदाधिकारी मंगलवार सुबह अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर तिलक मार्केट से नारेबाजी करते हुए नगर निगम के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर बढ़े हुए किराया को वापस लेने की मांग महापौर रामतीर्थ सिंघल को ज्ञापन देकर की। महापौर ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा कि शीघ्र ही बैठक कर व्यापारियों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर व्यापारियों ने दुकान का नाम ट्रांसफर, मरम्मत एवं डबल स्टोरी निर्माण की भी बात रखी। इस दौरान उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, इलाइट चौराहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता, सुभाषगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय खुराना, गुड्डन अग्रवाल, किशन पंजाबी मामा, आशीष बिरथरे, सुरेश चंद्र अग्रवाल, जमील अहमद, मोहम्मद अशफाक, गुलशन अरोरा, सुनील शुक्ला, राकेश श्रीवास्तव, शफीक खान, अशोक अरोड़ा, मुश्ताक सकलेन, श्याम साहू, मनोज मनोचा, विजेंद्र अग्रवाल, मोहम्मद अजीम, मुकेश राय आदि भी उपस्थित रहे। दुकानों का बड़ा किराया, दुकानों का बड़ा किराया, जो हमसे टकराएगा। हमारी गलत नहीं थी, लेकिन या तो कुछ दुकानदारों ने या आपके जो नगर निगम के कुछ लोग हैं। खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.